कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली का शराब घोटाला अब अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बीजेपी आज एक कदम और आगे बढ़ गई और सीधे केजरीवाल पर ही आरोप लगा दिया। घोटाले को इमोशनल एंगल देते हुए बीजेपी ने कहा कि जब दिल्ली कोरोना में एक एक सांस के लिए तड़प रही थी, तब केजरीवाल शराब के ठेकेदारों से कमीशन सेट कर रहे थे। बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल से चार पुराने सवाल पूछे। कल रेवड़ी और बेवड़ी का जुमला दिया था और एक नया मुहावरा दे दिया है कि जुड़ रही है कड़ी, पास आ रही है हथकड़ी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई के लुकआउट नोटिस को मुद्दा बना दिया है। ये लुकआउट नोटिस शराब घोटाले के आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर वन है। सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली में ही घूम रहा हूं, लुकआउट नोटिस की क्या जरूरत है। सीबीआई इसे एक प्रोसेस बता रही है जो हर आर्थिक अपराध में हर आरोपी के साथ अपनाया जाता है। क्या शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी में पहले सिसोदिया फिर केजरीवाल का नंबर आएगा? क्या शराब घोटाला केजरीवाल की चौखट तक पहुंच जाएगा और कट्टर ईमानदारी चक्कर में पड़ जाएगी? आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, लेकिन इस घोटाले को लेकर किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है, पहले आप वो देखिए। आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी मनीष सिसोदिया, वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। लुकआउट नोटिस किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? जो व्यक्ति भगोड़ा हो, जो व्यक्ति जांच में सहयोग न कर रहा हो, जिसके भागने की संभावना हो। अरे भाई, वो शिक्षा मंत्री हैं मोदी जी और उनके मूर्खों, ध्यान से सुनो, उनको कहीं भी विदेश जाने के लिए कैबिनेट मंत्री होने के नाते पहले परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। मूर्खों, कुछ तो सोच लेते, दया आती है तुम्हारी सोच पे, दया आती है। एक कैबिनेट मंत्री को पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तुम लुकआउट नोटिस का ड्रामा कर रहे हो। मनीष सिसोदिया से मैं भी मिल के आया, दो घंटे उनके यहां रह के आया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जन्माष्टमी के दिन तुमने 14 घंटे उनकी जांच करा ली, ना वो कहीं जा रहे ना कहीं भाग रहे। सिसोदिया पर कसे शिकंजे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, कह रही है शराब घोटाले की जांच के बहाने केजरीवाल का रास्ता रोकने की कोशिश है, क्योंकि मोदी को टक्कर सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं। वहीं बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और कह रही है आप नहीं पाप है। जैसे जैसे घोटाले की कड़ी खुल रही है, गिरफ्तारी की हथकड़ी पास आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या देश में सबसे करप्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है? सवाल यह कि क्या केजरीवाल को घोटाले की जानकारी थी? सवाल यह भी कि आम आदमी की जिंदगी की कीमत पर ठेकेदारों को मुनाफे के लिए यह घोटाला हुआ? और सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी कह रही है, कोरोना में जिस वक्त आंसू पोंछना था, क्या आम आदमी पार्टी करप्शन में व्यस्त थी? एक सियासी सवाल, आप कह रही है बीजेपी केजरीवाल से डर गई है। सवाल है, घबराया कौन है, केजरीवाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आपसे शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल ये, कौन घबराया हुआ है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? सौरभ जी जवाब। सर, ये वीडियो बहुत देखा है हम लोगों ने और कई बार दिखाया भी है, आप अपना जवाब दीजिए, अपनी पार्टी का पक्ष बताइए। मैं बस ये सुना दूं फिर इसके बाद बताता हूँ। सबने सुना है सौरभ जी, सबने सुना है, आप अपना जवाब दे दीजिए सौरभ जी प्लीज। सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में
प्राची जी, जी ये वीडियो दिखाने के लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पुरानी बातें याद रहती होंगी, मगर जनता जो है अक्सर भूल जाती है कि जिसको आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घबरा क्यों रही है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, तब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये सीबीआई के बारे में ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके गुजरात के मंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दिया है, और ये फिर सीबीआई के अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं खुले शब्दों में कि अगर सीबीआई का दुरुपयोग हुआ तो सत्ता परिवर्तन भी होता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये वही देश है, ये वही सीबीआई है, और इसी तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग जो है आज जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सुबह में उठा तो पता चला हर चैनल पे, आपके चैनल से भी मेरे पास फोन आया था कि साहब मनीष सिसोदिया का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, अब आप क्या करेंगे? और मैंने उनको कहा भाई लुकआउट नोटिस तो उसका जारी होता है जो देश से भाग गया हो, एब्सकॉन्डिंग हो, मिल ना रहा हो, जैसे नीरव मोदी का समय पे हो जाता तो नहीं भाग पाते, ललित मोदी का हो जाता तो वो नहीं भाग पाते, मेहुल चौकसी का नहीं हो जाता तो वो नहीं भाग पाते। ये तो शिक्षा मंत्री हैं, 14 घंटे मनीष जी सीबीआई के 30 अफसरों के साथ अपने घर में थे, मौजूद थे, अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जब इतनी ज्यादा बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की दोपहर तक हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले तो उस लुकआउट नोटिस को डिफेंड किया कि नहीं ये जरूरी है, ये प्रोसीजर है, ये होता है, और अब सीबीआई की तरफ से फिर ये कहा गया भाई ये ज्यादा फजीहत हो गई, इसको वापस ले लो। अब सीबीआई ने आधिकारिक बयान ये दे दिया है कि हमने कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है अगर सीबीआई ऑफिशियली चल रही होती, अपने प्रोसेस से चल रही होती, अधिकारी कर रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहे होते कि आज फजीहत हो गई, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, तो अब सीबीआई को कहो कि लुकआउट नोटिस दिया नहीं है, वापस हो गया है। तो ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है ये भारतीय जनता पार्टी की है, बदनाम करने की है, कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार सीबीआई के छापे इन्होंने डाले हैं, बहुत बार केस हमारे ऊपर किए हैं, ठीक है, जनता ने हमें बार बार चुना है, इत्मीनान से आपकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सर। सौरभ जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए, इसमें इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप तो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं ना सर। जी प्राची जी, देखिए आपका चैनल कम से कम 20 साल पुराना है, आप अगर अपने चैनल की कोई क्लिप ले आए जिसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2014 से पहले पूछ रहे हो कि भैया सीबीआई अपना काम कर रही है, अब जांच होने दीजिए, मोदी जी इतना हुल्ला क्यों कर रहे हैं, सौरभ जी बीजेपी का जवाब शहजाद देंगे, मेरे साथ बैठे हैं, आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो सवाल हमसे है वही सवाल 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी से भी थी, ठीक है, आप तुलना कर रहे हैं, मगर बेसिकली बात है सौरभ जी, आप तुलना कर रहे हैं लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे मुझे, उस वक्त विक्टिम थी तो आज हम विक्टिम क्यों नहीं है, आज हम विक्टिम है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विक्टिम थी, ठीक है, आप विक्टिम है शहजाद, आपने विक्टिम बना के रख दिया है आम आदमी पार्टी को, आप इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि देखिए आपकी पुरानी वीडियो सुनानी पड़ रही है सौरभ जी को अपने जवाब से पहले। देखिए प्राची जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने किसी के बीच में नहीं टोका रोका है तो मुझे भी बिना हस्तक्षेप अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और सौरभ जी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज तो मुझे लगा सौरभ जी केवल अपने दो भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, अर्थात पार्थ नंबर वन सत्येंद्र जैन और पार्थ नंबर टू मनीष सिसोदिया, और पार्थ नंबर वन सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो 3-3 बार कोर्ट के आदेश आ चुके कि हवालाबाज है, भ्रष्ट है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, फिर भी मनीष सिसोदिया की तरह इनको बचाए रखा है, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं 3 महीने से, ना कोई राहत मिली है डिस्पाइट कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, परंतु मुझे लगा कि आज सिर्फ इन दोनों भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, परंतु आज कांग्रेस के भी काले करतूतों को बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी। सोचिए उस समय का संदर्भ, प्राची जी आप तो उस समय भी पत्रकार थी, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया था कि सीबीआई केज्ड पैरेट की तरह काम करती है
और उस संदर्भ में ये बयान जब दिए गए तो उस संदर्भ के बयान को आज उठाकर तब कहा जा रहा है जबकि पीएमएलए केस में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वेंडेटा, बहुत अच्छे तरीके से आज जो है एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही है, अन्यथा मुझे दिखा दे एक भी ऑर्डर पिछले 8 वर्षों में कि मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या नड्डा जी ने किसी भी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया है। तो जिस कालखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए उस कालखंड की तुलना उससे की जा रही है जहां पर कोर्ट के आदेश आते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और उनको हटाते नहीं है अरविंद केजरीवाल। एक बयान तो मुझे भी अरविंद केजरीवाल का याद आ रहा है, उन्होंने खड़े होकर कहा था जो देश के साथ भ्रष्टाचार करता है वो कट्टर गद्दार होता है। तो आज ये कट्टर गद्दार जिसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट कह रही है कि ये हवालेबाज है, हाई कोर्ट कह रही है आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है, उसके ऊपर ये कट्टर गद्दार को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं केजरीवाल जी, ये सवाल बनता है। परंतु एक और वीडियो, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो दिखाया तो मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, सुनिए, बहुत छोटा वीडियो है, यह है सांसद साहब का राघव चड्ढा। मार्च में कोविड आया तो उससे हमारा क्या लेना देना, बिल्कुल सही कहा, इनका तो लेना देना इन शराब कंपनियों के माफिया कार्टेल से था। और मैं आपको 5 उदाहरण बताता हूं प्राची जी, फिर इसका स्पेसिफिक जवाब लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सवाल इस पर पूछते हैं आबकारी नीति में पापकारी जो कृत्य रहे इनके पूछते हैं तो ये 2024 न्यूयॉर्क टाइम्स शिक्षा मॉडल हेल्थ मॉडल सब पे चले जाते हैं, इसका जवाब कहीं नहीं मिल पाया। तो प्राची जी आपके माध्यम से 5 सवाल शुरू करता हूँ। पहला सवाल, 30 करोड़ की EMD L1 एयरपोर्ट जोन की वापस क्यों की गई जो कि वायलेशन था दिल्ली एक्साइज रूल्स का। दूसरा सवाल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आना मना था, फिर भी उसको आने दिया गया और जब खुद की सरकार उनकी सरकार ने 2021 में शो कॉज नोटिस जारी की गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनको बचाया गया और उसी से 1 करोड़ रुपये लिए गए। तीसरा सवाल, आज जो परवेश वर्मा जी और सिरसा जी ने सबूत के साथ बताया कि ओबरॉय के एक कमरे में 150 करोड़ रुपये लिए गए और पता है क्या क्या किया गया, जो पहले L1 की कमीशन होती थी 2% उसको 2.5% उसको बढ़ाकर 12% किया गया, फिर उन्होंने अपने चहीते दिनेश अरोड़ा को एक दूसरे लाइसेंसी के सारे लाइसेंस लेकर दे दिए। तीसरा, उन्होंने ब्रिंडको नाम की कंपनी को न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी लाइसेंस होल्डर बनाया। चौथा, उनका लाइसेंस पीरियड को 3 महीने से एक्सटेंड कर दिया बिना कैबिनेट की परमिशन के। पांचवा, कैबिनेट ने मना किया था मनीष सिसोदिया को कि आप फैसले नहीं ले सकते, फिर भी मनीष सिसोदिया ने जाकर पता है क्या फैसला लिया, उन्होंने फैसला लिया 50 रुपये प्रति क्रेट इंटरनेशनल लिकर पर इंपोर्टेड लिकर पर मैं डिस्काउंट दूंगा। अब ये कहते हैं बहुत अच्छी पॉलिसी थी, इससे तो रेवेन्यू बढ़ा है। ये एकमात्र ऐसी पॉलिसी है प्राची जी जिसमें सेल बढ़ती है पर सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, परंतु ये कहते बहुत अच्छी पॉलिसी, और अगर बहुत अच्छी थी तो भाई फिर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? ये सवाल पूछ लेते हैं शहजाद जी, क्योंकि फिर सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सौरभ जी बड़े सवाल आपसे पूछ रहे हैं शहजाद जी, और एक सवाल मेरा भी इसमें है, और सवाल यही है कि अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो इस पॉलिसी को आपने वापस क्यों ले लिया जब इतना आपको मुनाफा हो रहा था? तो चलिए शायद सौरभ जी से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहजाद जो सवाल आप पूछ रहे हैं, कुछ सवाल आपसे सौरभ जी भी पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अपनी वक्त पे आपको याद क्यों नहीं आता, बीजेपी क्यों ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि उसमें आते ही हर एक नेता पाक साफ हो जाता है, दाग नहीं रहते उस पर भ्रष्टाचार के। प्राची जी मैं इसको आपको एक तथ्य बताता हूँ, गुजरात में सूरत में हमारे कोई नेता के ऊपर ईडी ने रेड की है और 2.7 करोड़ रिकवर हुआ है। इनकम टैक्स की रेड हुई है येदियुरप्पा जी के सुपुत्र के कोई मित्र के ऊपर, ये सारी रिपोर्टेड है। अब मैं जहां बैठा हूं मैं आपको रिपोर्ट तुरंत नहीं दिखा सकूंगा, ऐसी हजारों किस्से आपको मिलेंगे, मीडिया उसको रिपोर्ट ना करे वो हमारी गलती नहीं है। परंतु अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने सिलेक्टिवली और विंडिक्टिवली काम किया, ये विक्टिमहुड कार्ड जो लेकर खेलते हैं, तो फिर संजय राउत को अभी तक कोर्ट ने बेल नहीं दिया, सत्येंद्र जैन को 3 महीने से बेल नहीं मिली है, उसका केस खत्म नहीं किया गया है, पार्था चैटर्जी के खिलाफ तो पहले वहां की हाईकोर्ट ने CBI प्रोब मांग की थी SSC में स्कैम में, और उसके बाद आज तक वो जेल में है, किस प्रकार से ये लोग को राहत क्यों नहीं मिलती है? और यही केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर में भी कहा था मामले में कि ये कट्टर ईमानदार है, क्या करना पड़ा? अब वे सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे कट्टर ईमानदार है, आज तक वो बाहर नहीं आए, अब मनीष सिसोदिया के लिए भी कह रहे कट्टर ईमानदार है। और जैसे ही मैंने, प्राची जी आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक बहुत बड़ा विषय उठाया
उठाया है, इसलिए सौरभ जी भाग गए हैं। अमनदीप ढाल को किस प्रकार से अमनदीप ढाल को किस प्रकार से पंजाब में भी L1 मिला है, जरा इसका जवाब दीजिए। बड़े सारे सवाल पंजाब में भी और दिल्ली में भी स्पेसिफिक नाम लिए हैं उन लोगों के जिनके FIR में भी नाम है, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि खुद CM से भी उनका कनेक्शन है, इस पर क्या जवाब होगा? इन नामों को लेकर आप क्या कहेंगे? सौरभ जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट आपने कर दिया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही आपकी सौरभ जी, अभी रोक दो। चलिए एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी आ रही है शहजाद में। चलिए तकनीकी खामी दूर हो गई है शहजाद में, बीच में फिर उनके पास शिफ्ट हो जाऊंगी क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। सौरभ जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सौरभ जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज अच्छा, तक पहुंच। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप उन चंद एंकर्स के अंदर हो जो बोलते हुए टोकती नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्राची जी, ये शहजाद जो है ये मेरे साथ लगभग रोज 3 डिबेट्स के अंदर होते हैं और इनके जो सवाल हैं ये 2 महीने से इनके यही सवाल हैं। हर डिबेट पे मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मैं इनको जवाब देता हूं और फिर ये अगली बार फिर वही सवाल पूछते हैं, मैं इनका दोबारा से जवाब देता हूं, क्योंकि आपके चैनल और आपकी एंकरशिप में जवाब नहीं हुआ। मैं इनके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि 144 करोड़ रुपए किसको दिए गए? देखिए 144 करोड़ की रिबेट मैंने ये नहीं पूछा है, जो लाइसेंसीज को दी गई, मैंने ये नहीं पूछा है प्राची, कौन सा ये सवाल कहां पूछा मैंने? इसलिए दी गई थी प्राची, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं, कृपया मेरा सवाल दोहराइए उनको। सौरभ जी, सौरभ जी, अच्छा तो इनका दूसरा, मेरे को सारे सवाल पता है इनके। हाँ, मैंने ये सवाल नहीं पूछा है, पता है मुझे, अगला सवाल बता दीजिए सौरभ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड प्राची जी, मैंने सवाल 3 करोड़ की है, मुझे सौरभ जी अगला सवाल भी पता है। सौरभ जी एक सेकंड रुक जाइए, उनके प्राची जी मेरा पहला सवाल मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए, मैं नेक्स्ट सवाल पे आ जाता हूँ इनके, मेरे को पहले सवाल का जवाब दीजिए, मैं अपना पहला सवाल दोहरा रहा हूँ ताकि मनगढ़ंत सवाल ना बने। सारे सवाल मेरे को इनके सारे सवाल पता है, उनके जवाब जल्दी से पहला सवाल बताइए, मैं इनको अगले सवाल का प्राची मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ कि भैया प्राची पहला सवाल जो है, प्राची पहला सवाल कैसे, मुझे सवाल पूछने से क्यों घबरा रहे हैं? जी एक चल रही थी तो प्राची, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं है, सरब जी ऑडियो सुना, फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा आपसे जवाब देना। एक सेकंड बस, पहला सवाल इनका क्या, शहजाद बहुत जल्दी से आपका पहला सवाल वही तो था जो राघव वाला ऑडियो प्राची, मेरा पहला सवाल प्राची सुनाया था ना इन्होंने, प्राची क्यों डर रहे हैं? एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड से क्यों घबरा रहा है? तुमको घबरा घबरा के तुमको कितनी बार सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी पूरा वक्त आपको भी मिलेगा, आपका भी अपमान कर देगा। एक छोटा सा मुझे जवाब लेने, सवाल इनसे जानने दीजिए। शहजाद जल्दी से बताइए क्या आपका पहला सवाल, बदतमीजी मत करियो शहजाद, समझ गए? सवाल नंबर 1 हाँ। प्राची जी देखिए अभी आपके साथ भी बदतमीजी हो सकती है, आपने सवाल सर, चलिए इसमें नहीं, नहीं जाते, जल्दी से सवाल पूछते हैं, इसमें नहीं घुसते हैं सर। ये इन्होंने जल्दी से सवाल, सौरभ घबराना नहीं है, भगोड़ा नहीं बनना है, तमीज के दायरे में रहना बस। ये है प्राची, मैं सवाल पूछ लूं अभी, मुझे पूछिए ना पहला सवाल प्राची जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ तमीज के दायरे में रहना शहजाद, पुणे वाला ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने तो तमीज के बड़े बड़े पैमाने बांध रखे, अब सुन लीजिए सवाल, तो यही तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा है प्राची जी के दायरे में ही रहना। सौरभ जी एक सेकंड सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहला सवाल इंडिया टीवी के माध्यम से, बताइए शहजाद पहला सवाल। आदरणीय प्राची जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, पहला सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इसमें आना सख्त मना था, खाऊगली नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन दिए गए, उस पर इन्हीं की सरकार ने शो कॉज नोटिस 2021 में जारी किया था, अगर वो शो कॉज नोटिस कंप्लाई नहीं होता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया को जाकर उसे बंद करवाना होता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? उल्टा कार्रवाई नहीं की, FIR में अब सामने आ चुका है कि 1 करोड़ की घूस लेकर उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। ठीक है, ये जवाब मैंने इसको कल भी रिपब्लिक टीवी पे दिया था और रिपब्लिक टीवी ने फैक्ट चेक भी किया था। इनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कुछ भी बोलते किसी भी तरीके की जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनकी जो जांच का अधिकार है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को होता है, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, अगर कंप्लेंट होगी तो विजिलेंस डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है। 2015 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी जिसके द्वारा
जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके विजिलेंस केसेस जो हैं सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में एलजी के अधीन आते हैं। यहां तक कि जो सवाल हम विधायक, मैंने सवाल पूछे हैं विजिलेंस के बारे में अपनी विधानसभा में कि कितने विजिलेंस केसेस हैं, उनका क्या स्टेटस है, किस अधिकारी के ऊपर कितने केस हैं, क्या किसी के ऊपर सजा दी गई। प्राची जी, मेरे पास आधिकारिक जवाब है दिल्ली विधानसभा से कि एलजी कार्यालय से जवाब ये आया है कि विजिलेंस के मामलों में चुनी हुई सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलजी ही उसको देखते हैं। और ये जवाब मैंने इनको कल भी दिया था, उस वक्त ऐश्वर्या कपूर जो थे होस्ट थे, एंकर थे, उन्होंने गूगल पे चेक करके इनको फैक्ट चेक भी किया, मगर ये आज वही सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, इनका जो दूसरी बात इन्होंने बोली, अब मैं इन्हें ये पूछता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा नेता होगा, इस पे मेरा काउंटर दुनिया में ऐसा कौन सा, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ अभी, इस पे काउंटर ले लीजिए। शहजाद जी, उनका सवाल, उनका जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आप मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ शहजाद, मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए। प्राची, एक बात बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सवाल लंबा होगा और जवाब छोटा होगा? भाई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है ना, ये अपना सवाल लंबा करते हैं। ऐसी जगह की जवाब ही नहीं होगा सवाल का भाई, अब जवाब नंबर दो, इन्होंने कहा कि क्योंकि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को वो काम दे दिया गया, उसके लिए रिश्वत ली मनीष सिसोदिया ने बाय चेक 1 करोड़ रुपए की रिश्वत। दुनिया के अंदर बेवकूफ से बेवकूफ आदमी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत बाय चेक लेगा क्या? मतलब क्या बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, मतलब आपने कहीं सुना है कि बाय चेक 1 करोड़ की, और वो किसने लिए? एक प्राइवेट आदमी ने दूसरे प्राइवेट आदमी को, एक आदमी रेस्टोरेंट ओनर है, एक आदमी वाइन शॉप ओनर है, वाइन शॉप ओनर और रेस्टोरेंट ओनर जो एक दूसरे को शराब बेचते हैं उनके बीच में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, और ये वो कह रहे हैं वो रिश्वत है। ठीक है सौरभ जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हालांकि इसमें मेरा भी एक सवाल है, मैं जोड़ूंगी, लेकिन पहले शहजाद जी आपको काउंटर करने वाले, जरा उनका काउंटर पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो एक एक करके आप प्राची, क्योंकि ये बीच में मेरे बोलेंगे। प्राची, पहले तो इसमें विजिलेंस का कोई लेना देना नहीं, ये एक्साइज डिपार्टमेंट की शोकॉज है, अगर कंप्लाई नहीं होती तो एक्साइज डिपार्टमेंट जाकर रेस्टोरेंट दुकान बार बंद करवा देता है, विजिलेंस के लिए नहीं रुकता। और अगर इनके कहना यह है कि विजिलेंस के पास है तो मुख्यमंत्री के पास भी विजिलेंस की नोट जाती है, उन्होंने आज तक इस पर क्या हल्ला किया? एक भी हल्ला नहीं किया कि एलजी साहब क्यों नहीं बंद करवा रहे अगर उनका अधिकार क्षेत्र था। पर यह सवाल नहीं, अब इस पर तो एक पकड़े गए, पर दूसरा सवाल है प्राची, उसका जवाब जरूर लीजिए। L1 होल्डर्स का कमीशन, जल्दी प्राची, कृपया मेरा समय आने दीजिए, ये डिबेट बर्बाद कर देते हैं, ऐसे हर रोज करते हैं। प्राची कृपया करके मेरा ऑडियो रहने दीजिए। सौरभ जी, प्राची कृपया करके जवाब तो दूंगा ना प्राची, कृपया करके दोबारा सवाल, प्राची कृपया करके, मैंने आपके पीछे हर शो में ऐसे करते हैं, झूठ बोल के आगे निकल जाएंगे प्राची, हर शो में ऐसे करते हैं। ये अपनी बात कैसे कंक्लूड, प्राची ये हर शो का समय ऐसे ही बर्बाद करते हैं। नहीं आप प्राची, ये हर शो का समय ऐसे ही बर्बाद करते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरा सवाल आने दे, आपसे सवाल, प्राची कृपया करके, उसका जवाब नहीं सुनना चाहते मगर दर्शक तो सुन, प्राची कृपया करके भाई, दर्शक जवाब प्राची कृपया करके, मैं हाथ जोड़ के, मेरे कई सवाल है प्लीज। प्राची जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके दर्शक सवाल सुनना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते, मुश्किल तो यही है ना, और मुश्किल के सवाल प्राची मेरा समय है, समय तो मेरा है ना प्राची, किसको बोलने दे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते, एक दूसरे की, प्राची मेरा समय है, मुझे तो सवाल करने का मौका मिलना चाहिए ना। रुकिए 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 एक सेकंड, मैं इनका जवाब तो दूंगा ना, आ रही हूँ मैं सौरभ जी, मैं सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, आप जवाब देंगे, मेरा भी सवाल है, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी। प्रॉब्लम ये है, फिर ये दूसरा सवाल, 1-to-1 चल रहा है सर, 1-to-1 चल रहा है, सौरभ जी एक मिनट सुनिए ना, 1-to-1 चल रहा है, आप दोनों ये चर्चा में दोनों को भरपूर समय मिलेगा, एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, लेकिन ऐसे उलझे रहेंगे सर तो मेरी चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। शहजाद जी, मैं आ रही हूँ सौरभ जी, एक सेकंड रुकिए सर प्लीज, जवाब तो देंगे हम, नहीं आप दीजिएगा, मैं आऊंगी तब आप दीजिए, नहीं फिर तो एक दूसरा सवाल पूछ ले प्राची, फिर तो आप दूसरे सवाल पे आ गए ना प्राची, बोलिए बोलिए शहजाद जी, दूसरे का दूंगा प्राची मैं, प्लीज
हाँ प्राची ने वो बीच में बोल रहे जनता को समझ में नहीं आता, और मैं ऐसी डिबेट्स नहीं चाहता हूँ जहाँ पे लोगों को समझ में आए, ये बहुत जरूरी बातें हैं। मगर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राची जी, प्राची दिल्ली की कैबिनेट ने, प्राची आई रिक्वेस्ट आई प्लीड ऑफ इंडिया टीवी, मैंने क्या, मैं अपना समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्राची, प्लीज मेरे को संरक्षण दीजिए। नहीं आप प्राची कृपया मुझे संरक्षण दीजिए, आप संरक्षण आपको सीबीआई का संरक्षण भी चाहिए, ईडी का संरक्षण भी चाहिए। बार बार इस प्रकार से हर डिबेट को बर्बाद करते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल लेकर आया हूँ, सवाल लेकर आया हूँ मैं आपसे जवाब तो लोगे, मुझे अपना समय पर सवाल पूछने दीजिए, फिर वो लंबा जवाब लोगे या सिर्फ जवाब नहीं लोगे क्या, सिर्फ सवाल ही करने आए हो क्या? प्राची मैं क्या अपनी बात रख सकता हूँ, वो इंटरप्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्राची, आई रिक्वेस्ट इंडिया टीवी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट एक एक करके बात रखते प्लीज, सीएम साहब के पास जाती है। जवाब देने के बाद चुप हो जाएंगे ना सौरभ जी, फिर ये दूसरा सवाल रखेंगे, जल्दी से आप काउंटर करिए, क्या किस बात पर आपको आपत्ति हो रही थी जिसका जवाब आप देना चाह रहे थे शहजाद जी को? मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहली बात तो मेरी मान ली ना, इतना समय कि विजिलेंस जो है, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है किसी भी शिकायत नहीं, मैंने नहीं मानी प्राची, हम एक ही उस पे उठ के रहेंगे, झूठ बोल रहे हैं आपसे, एक्साइज डिपार्टमेंट का शोको से आगे बढ़ना है भाई। अब ये कहां, अब इन्होंने गोल नहीं मानी है मैंने कि हाँ हाँ अगर डिपार्टमेंट तो विजिलेंस करता है वो एलजी के अंदर आता है, मगर सीएम ने क्यों नहीं किया? भैया तुम्हारे एलजी ने जांच नहीं कराई, मैंने ये नहीं मानी, मैंने कहा अगर जाती है भाई प्राची, इतना झूठ कैसे कोई परोस सकता है भाई, ये क्या बात हो गई शहजाद? चलिए ठीक है सौरभ जी, अब आ गई आपकी बात, जांच कराना उससे, सौरभ जी सौरभ जी सौरभ जी आप सुनिए, आप शहजाद जी को आने दीजिए, अब आपकी बात आ गई, आपको इस बात पर आपत्ति है, चलिए आ जाइए शहजाद जी, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा सौरभ जी, मगर एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, दूसरा प्रश्न आएगा। प्लीज मेरे प्राची, प्लीज प्राची प्राची प्राची, कैबिनेट ऑफ दिल्ली ने मनीष सिसोदिया को मना किया था कि आप एक्साइज के लिए कुछ फैसले नहीं ले सकते, एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको करना है, फिर भी मनीष सिसोदिया ने 8/11/2021 को इम्पोर्टेड लिकर वालों की बियर पे 50 रुपये का प्रति क्रेट डिस्काउंट दे दिया, जिससे दिल्ली सरकार दिल्ली का नुकसान हुआ, उसके अलावा उन्होंने ऑपरेशनल पीरियड ऑफ लाइसेंस स्वतः जाकर बढ़ा दिया, उसके अलावा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को रिटेल में आने दिया, उन्होंने 2.5% से बढ़ाकर कमीशन 12% किया, जिसमें उनके जो बिचौलिए हैं जैसे कि ये अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा है, जैसे कि अमनदीप डाल है, कृपया प्राची 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 जवाब दूंगा, प्राची क्या है ये तरीका, मैं जवाब दूंगा ये तरीका प्राची कि तुम सौरभ जी प्राची सौरभ जी सौरभ जी सौरभ प्राची मेरी बात को क्यों इंटरप्ट किया जा रहा है सौरभ जी? देखिए फिर मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी, दर्शक सुनना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाएगा सौरभ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ प्राची, ये तरीका नहीं है, शहजाद जी को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगी, आप मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दो प्राची जी, मैं आ रही हूँ, आप एक क्या सर 2 मिनट लीजिएगा, एक सेकंड शहजाद जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात, मैं ये कह रहा हूँ हर शो में प्राची, मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात आ जाने दीजिए, हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच पाती है इस प्रकार से, फिर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्राची, सौरभ जी मैंने इनका पूरा जवाब सुना, सौरभ जी मेरी बात सुनिए सर, देखिए ऐसे ना चर्चा में मुझे समझ में आ पाएगा कुछ, ना मेरे दर्शकों को आ पाएगा, एक के बदले आप 2 मिनट 3 मिनट लीजिएगा, शहजाद को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा, शहजाद जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास सौरभ जी। प्राची जी जो मैंने वायलेशंस गिनाना शुरू किया था उसमें एक और वायलेशंस इस प्रकार का था कि इन्होंने 21 से 3 दिन कर दिए थे ड्राई डेज की संख्या, मतलब कि मोटा पैसा कमा रही थी ये लिकर कंपनियां, इतना पैसा कमा रही थी कि 1 पे 1 फ्री दारू रखा था, अगर 1 पे 1 फ्री देने की उनकी कुव्वत थी, उनके पास कैपेसिटी थी, तो उनको तो कोई 144 करोड़ के वेवर की जरूरत ही नहीं थी, कोरोना काल का यहाँ पे कोई बहाना ही नहीं देना चाहिए था उनको 144 करोड़ देने का, उन्होंने ये भी दिया। और इसके अलावा मैं आपको 2 स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ, ये जो अमनदीप ढाल है जिसकी कंपनी ब्रिंडको को यहाँ पे मिला है ठेका, 2.5% से 12% का कमीशन भी मिला है बढ़ाकर, उन्हीं की कंपनी को पंजाब में भी दिया है,
और इसके अलावा जो विजय नायर है और जो दिनेश अरोड़ा है, जो बिचौलिए थे इस पूरे मामले में, उनके साथ इनका क्या संबंध है, क्या ये सच्चाई है या सच्चाई नहीं है कि इन्होंने महावीर डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीनकर दिनेश अरोड़ा को दे दिए, क्या ये हकीकत है या नहीं है कि पठानकोट में जो एक बंद थी शराब की फैक्ट्री उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपये इन्होंने लिए हैं या नहीं लिए, और उस कंपनी को जो रूल्स के खिलाफ थी उसको भी उन्होंने चालू करा दी। अब पंजाब में भी इन्होंने घोटाला किया है, दिल्ली में भी किया है। दिल्ली में मैंने आपको कई सारे वायलेशंस अगेंस्ट द रूल्स बताए हैं। ये मुझे बता दे, 30 करोड़ का ईएमडी जोन 1 एयरपोर्ट के लाइसेंसी को कैसे दे, एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसी को कैसे वापस कर दिया, जबकि दिल्ली एक्साइज रूल्स कहता है कि अगर वो एनओसी नहीं लाता है तो वो ईडी ईएमडी जो है वो फॉरफिट होती है, परंतु उन्होंने वो पैसा लौटा दिया। एक तरफ तो ये लोग गरीब बच्चों को कह रहे थे कि आपकी फीस बढ़ानी होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि एजुकेशन माफिया का समर्थन कर रहे थे, और दूसरी ओर कह रहे कि शराब वालों की शराब नहीं बिक रही थी कोरोना में। अरे शराब तो इतनी बिक रही थी कि 80% से ज्यादा उनके सेल्स बढ़े थे, परंतु सेल बढ़ने के बाद सरकारी रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा, और अगर ये फिर भी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर वापस इस पॉलिसी को क्यों कर दिया गया। ये मैंने 7-8 स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए, ये बीच में बोलते हैं, टोकते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो शो कॉज नोटिस ईडी ये इसका था, एक्साइज डिपार्टमेंट का, इसमें विजिलेंस का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इसका पैसा उनको दिया गया कि कार्रवाई मत करो, वरना एक्साइज डिपार्टमेंट रेड मारता है, सील करता है, बंद करता है। अब आपकी बात आ गई सर, अब शहजाद आपकी बात पूरी तरीके से पूरी हो गई, आपके सवाल हो गए, अब सौरभ भारद्वाज जी इन सवालों का जवाब दीजिए। और प्लस इसमें सवाल यही है, जब सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, इतनी अच्छी पॉलिसी आप लेकर आ गए थे, वापस क्यों कर ली, यू टर्न क्यों मार लिया इस पर? चलिए सौरभ जी से लगता है फिर संपर्क टूट गया है। शहजाद जी आपने एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछ दिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सवाल सौरभ जी आपसे पूछ रहे थे मैं लौटकर उन पर आ जाती हूं कि ये घोटाले आपको दिल्ली में ही क्यों नजर आ रहे हैं, वो बार बार आम आदमी पार्टी गुजरात का जिक्र करती है कि वहां पर सीबीआई ईडी क्यों नहीं भेजते हैं आप? प्राची बहुत अच्छा सवाल है। प्राची पहले कोई भी हत्यारे पॉकेटमार चोर को यह अधिकार नहीं होता कि कहीं और तथाकथित चोरी हो रही है इसलिए मेरी चोरी या हत्या को मत पकड़ो, ये बेतुका आर्ग्यूमेंट होता है लीगल पार्लेंस में। दूसरी बात, मान लो इनके पास सारे सबूत है गुजरात के, तो रोज आकर 5 से 11 डिबेट करने से अच्छा और हमारा समय बर्बाद करने से अच्छा एक प्राइवेट कंप्लेंट वो पंजाब में डाल दे, कहीं पर डाल दे, किसी और जगह डाल दे, और क्रिमिनल कोर्ट से कार्रवाई करवा दे कि देखिए ये क्रिमिनल हो रहा है, या वो जाके गुजरात की किसी को, कोर्ट में तो भरोसा है ना, कोर्ट तो निष्पक्ष है, कोर्ट विंडेटा नहीं करेगा। अगर मान लो हमारी एजेंसियां जो है वो पूरा विंडिक्टिव होकर बायस होकर काम कर रही है, तो वो तो सीधे जाके कोर्ट में करवा सकते कि देखिए उनको कल एक मुद्दा मिल जाएगा कि ये पूनावाला की सरकार और उनकी एजेंसी बहुत विंडिक्टिवली और सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं। वो नहीं करते, वो इधर उधर की बात इसलिए करते हैं, कभी 2024 की, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की, कभी गुजरात की, क्योंकि मैंने जो विषय उठाया ना प्राची जी, मैंने तो फैक्ट के साथ बताया। आपने अमनदीप ढाल को पंजाब में भी मिला और यहां पर भी मिला। सवाल बहुत सारे इकट्ठा हो गए, फिर सौरभ इन सवालों के जवाब देंगे। सौरभ जी जवाब दीजिए इन तमाम सवालों के, 144 करोड़ का सवाल है, लॉस अगर था तो फिर एक के साथ एक फ्री क्यों मिल रही थी? हाँ ठीक है। अब प्राची जी देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि एक साथ 20 सवाल पूछे जाएं, और देखिए समय तो मुझे भी उतना ही मिलेगा जितना इसको मिलेगा, तो उसके अंदर कहा जाएगा कि मैं 2 साल का सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैक्सिमम, या एक का दे पाऊंगा, फिर ये दोबारा वही रिकॉर्ड जो है जो 2 महीने से रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट करेंगे। और मैंने इनको 100 बार बोला, हर चैनल पे बोलता हूँ, भाई तू क्वेश्चन पूछ, मैं जवाब दूंगा, क्वेश्चन छोटा होगा बड़ा होगा, इनको बराबर समय चाहिए। और एक बार अब देखिए, जब मैंने 144 करोड़ का जवाब देना सबसे पहले शुरू किया, मैंने आपके शो पे क्या बोला, इनका पहला क्वेश्चन 144 करोड़ का होता है, मैं इनका जवाब देता हूं क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा 144 करोड़ का कोई सवाल नहीं है। अब 140 करोड़ का सवाल उन्होंने दोबारा पूछ लिया ना आपके शो में, चलिए जवाब। अब मैं सबसे पहले इनको 144 करोड़ का ही सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए ये सवाल ये मेरे से 3 हफ्ते से पूछ रहे थे, और मैं पहले हफ्ते में जब जवाब दिया था, मैंने कहा भैया ऐसा है, जिस तरीके से लाइसेंसी एक्साइज के होते हैं उसी तरीके से दिल्ली की भाजपा जवरा शासित एमसीडी के लाइसेंसी थे टोल टैक्स पे, एमसीडी के लाइसेंसी थे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले, रेलवे विभाग तो केंद्र का है, उसके जितने लाइसेंसी थे वो आपकी केंद्र सरकार के थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि इन सब लाइसेंसीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना में लॉकडाउन पीरियड का कंसेशन दिया है? ये बगले झांकते रहे मगर अभी तक इन्होंने हाँ ना नहीं किया, गोल पोस्ट चेंज कर दी। और क्या गोल पोस्ट चेंज करी कि
अजी जी, कोरोना के समय में 1+1 बिक रहा था। अरे भाई, कोरोना के समय में दिल्ली में जनवरी 2022 में, और मैं सेकंड वेव की बात नहीं कर रहा, मैं अब थर्ड या फोर्थ वेव की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की, जब ओमिक्रॉन वायरस फैला था, लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं हुए थे, मगर सरकार ने एहतियातन दिल्ली के अंदर पहले लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन, और उसके बाद सरकार ने इवन ऑड किया, सारे बाजारों के अंदर इवन ऑड किया, और जब इवन ऑड भी हट गया तो भी सरकार ने बाजारों में बाजार बंद होने का टाइम 10 बजे की जगह 8 बजे कर रखा था, जिसकी वजह से सारे लिकर लाइसेंसीज को सेल के अंदर फर्क पड़ा, वो 1+1 दे रहे हो या 1+5 दे रहे हो, मगर किसी आदमी की अगर एवरी डे की सेल है और आप उसकी सेल लॉकडाउन करके उसकी बंद कर देंगे और उसको प्राची जी पर डे का पैसा देना है लाइसेंस ठीक, उसका ऐसा नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे करके समय अब समाप्त हो रहा है। मेरा भी एक सवाल है आपसे जिसका जवाब मैं भी जानना चाह रही हूँ। 144 करोड़ का तो आपने जवाब दे दिया कि लॉस था, इस वजह से 144 करोड़ का जो वेव ऑफ का मामला आ रहा है वो आपने दे दिया। मुझे बताइए कि जब सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ इतना चल रहा, इतना अच्छा चल रहा था, मुनाफा हो रहा था, पहले आप ही खूब आके बता रहे थे कि हमें बहुत अच्छा इससे फायदा हो रहा है, राजस्व में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर ये यू टर्न क्यों हुआ, वो भी तब जब सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई। आप उपराज्यपाल की बात करेंगे, आप कहेंगे 48 घंटे पहले कुछ चेंजेस हो गए, लेकिन वो पहले नहीं दिखे थे आम आदमी पार्टी को? हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉलिसी थी, अब देखिए इस पॉलिसी का समय जो है मार्च 31 को खत्म हो चुका था, और मार्च 31 को गवर्नमेंट को ये पता था, क्योंकि एलजी के यू टर्न की वजह से, हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से सरकार को लाइसेंसीज की 30% फीस वापिस देनी पड़ी थी, तो सरकार को यह पता चल गया था कि इससे अब लॉस होना शुरू हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लाइसेंसीज ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे, जिसकी वजह से उन एरियाज के अंदर जो वाइन शॉप्स थी उनकी तरफ से लाइसेंस भी सरकार को नहीं आ रही थी, इसकी वजह से वो लॉसेस चल रहे थे, तो सरकार पॉलिसी को रिन्यू करना चाहती थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती थी, उसकी फाइल एलजी साहब को भेजी गई, उन्होंने उस फाइल को पास नहीं किया, तो सरकार ने 2 महीने की एक्सटेंशन दी पुरानी पॉलिसी को, उसके बाद वो फाइल दोबारा एलजी साहब को भेजी गई, एलजी साहब ने उसको फिर पास नहीं किया, उसके अंदर कुछ और संशोधन दिए, तो फिर से 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई, और जब ये नए वाले एलजी आ गए तो भी इन्होंने उसकी एक्सटेंशन, अब आप समझिए प्रॉब्लम क्या है, सरकार को हर लाइसेंसी 300 करोड़ रुपए साल का देता है, पहले तो एलजी साहब की वजह से वो 30% उसका कम हो गया। जी, मेरा सवाल तो यही है ना, आप जो ये तमाम कमियां बता रहे हैं, आप जो ये तमाम कमियां बता रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, चलिए ये तमाम प्रॉब्लम्स हुई, तमाम समस्या हुई, जानबूझकर इस पॉलिसी को फेल करने की कोशिश हुई, लेकिन ये याद आपको तभी क्यों आई जब सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई, जब सीबीआई जांच की बात होने लगी तभी याद आई ना प्राची जी? नहीं प्राची जी, आप अगर सरकार के रिकॉर्ड्स निकालेंगे, मैं आ रही हूं तो 31 मार्च 2022 से जब से ये ओरिजिनल पीरियड पॉलिसी का, देखिए ये ना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, 17 नवंबर से पॉलिसी शुरू हुई, 31 मार्च 2022 इसका लास्ट डे था, सरकार ने मार्च के एंड में ही पॉलिसी को रिन्यू करके इसके अंदर कई सारी मॉडिफिकेशंस की चीजें लाई थी, मगर वो उस वक्त के जो एलजी थे अनिल बैजल साहब पास नहीं कर रहे थे, तो ये पॉलिसी तो रिव्यू में चल रही थी, जो हुआ वो हुआ तत्कालीन उपराज्यपाल की वजह से, आप ये कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, इस पर वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। फिर देखिए, हाँ देखिए प्राची जी, कितना दरिया दिली इनको शराब के ठेके वालों और कार्टल्स के लिए, क्योंकि अमनदीप डाल जैसे लोग, दिनेश अरोड़ा जैसे लोग इनके मित्र इसमें शामिल थे, जिनका कमीशन इन्होंने बढ़ाया, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये भी नहीं बताया कि 144 करोड़ का जो वेवर दिया, क्या वो प्रोसीजर फॉलो करते दिया या केवल मनीष सिसोदिया को, क्योंकि कैश पेमेंट हो गया तो उन्होंने ये बनाकर दे दिया। अब बीच में ना बोले सौरभ जी, बीच में ना बोले, क्यों डर रहे हैं आप, इतना घबरा क्यों रहे हैं? तीसरी बात, इनकी तुलना करने की, रेलवे जो खाली जा रहा था उसकी तुलना ये शराब के साथ कर रहे थे, जो 1-1 फ्री बिक रहा था, और अगर उनका नुकसान नहीं हो रहा था फिर भी उनकी नुकसान की भरपाई हमारे पैसों से करवाई, पर ठीक है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकेंड प्राची जी, प्राची जी अपने समय पर भी बोला, मेरे समय पर भी बोलेंगे क्या प्राची? मैंने तो सुना ना आप पिछले 3-4 मिनट से, तो तुम झूठ, प्राची 3-4 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। अरे तो शहजाद तुम झूठ, प्राची जाते जाते प्राची एक एक जो रिमार्क प्राची आने दीजिए, सौरभ जी, सौरभ जी, प्राची ये तरीका नहीं है, बीच में रुकना प्राची है। हाँ। प्राची अब देखिए, प्राची देखिए ये कह रहे हैं कि, प्राची ये कह रहे हैं,
प्राची आपको फेयर होना पड़ेगा, मैंने पूरी की बात की, मेरा समय खत्म हो जाएगा। नहीं सुनती तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप अपनी बात रखिए शहजाद जी, मैं सुन रही हूँ। मैंने तो पूरा सुना, मैंने कहा डिस्टर्ब किया भाई, आप बताइए किससे? वाइन शॉप बंद थी या खुली थी? वो डिस्टर्ब कर रहे हैं प्राची जी, लॉकडाउन। प्राची देखिए, मैं चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस के बिना मेरी बात जाए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम हस्तक्षेप नहीं करते, उन्होंने पूरी बात रखी है। झूठ बोल रहा है, झूठ को ना चलने देंगे सर, एक दूसरे के सुनेंगे नहीं, दर्शकों तक बात आएगी नहीं, और इन्हीं चक्करों में मेरे पास समय सर अब खत्म हो गया है। बहुत माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े दोनों, इस चर्चा में शामिल हुए और ये बताया कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, किस तरीके का सियासी घमासान हो रहा है, क्योंकि इस घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में तीखी जुबानी जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।